सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। आज डिस्कस करेंगे कि आपके पीरियड्स क्यों मिस होते हैं और अगर ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी परेशान कर रही है तो कौन सी वो मेडिसिन है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो गाइज वेलकम टू पासी चैंप चैनल और बिना किसी डिले के आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो जानते हैं कि आपके पीरियड्स मिस होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहले नंबर पर है स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा तनाव में रहते हो, एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है, तो ये भी एक कारण बनता है, मेजर कारण कि आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, जो आपकी पीरियड आने की डेट है वो पोस्टपोन हो गई है। दूसरा कारण है अगर आपने कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब कि बर्थ कंट्रोल पिल अगर आपने ली है तो ये भी एक कारण है आपके पीरियड्स के मिस होने का। तीसरा कारण है अंडरवेट या फिर ओवरवेट। अगर आपका वजन सामान्य से बहुत कम है या फिर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है तो ये भी एक कारण बनता है आपके पीरियड्स के मिस होने का। ठीक है, अगला कारण है कि अगर आपको अभी अभी पीरियड्स आने शुरू हुए हैं, मतलब कि वो गर्ल्स जिनको अभी अभी पीरियड साइकिल शुरू हुए हैं, जिनकी एज 12 13 14 साल है, तो उनके भी पीरियड्स मिस हो सकते हैं। या फिर वो फीमेल्स जो कि मेनोपॉज की एज में होते हैं, मतलब कि अगर आपकी एज 45 साल के अराउंड है तो आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। आगे है थायराइड की प्रॉब्लम। अगर आपको T3, T4 या थायरोक्सिन्स हार्मोन्स काफ़ी फ्लैक्चुएट करते हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। अगला है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को PCOS की प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को PCOS की प्रॉब्लम है तो भी आप के जो पीरियड्स हैं वो मिस हो सकते हैं। अगला है कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर आप कोई स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हो या कोई आपको डिजीज़ है काफ़ी लंबे समय से, तब भी आपको पीरियड्स मिस हो सकते हैं। अगला है अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो। क्या होता है गाइस कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन नाम से, ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसके कारण आपके जो पीरियड्स हैं वो मिस हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके पीरियड्स के मिस होने का। और अगला कारण है गाइज अगर आप हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज में कई बारी जो इस्ट्रोजन का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है और ये ट्रिगर करता है आपके पीरियड साइकिल के मिस होने का। गाइज ये तो कारण थे कि आपके जो पीरियड साइकिल हैं वो क्यों मिस होते हैं। आगे बात करते हैं उस टैबलेट के बारे में जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो गाइज जो टैबलेट है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट्रॉन और इसके कुछ इंडिया में पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं जैसे प्राइमलोट एन, नॉरलूट एन या फिर सिसरोन एन या फिर रजिस्ट्रॉन 5 mg की टैबलेट आती है। ये कुछ इंडिया में इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस टैबलेट को कैसे यूज़ करना है। तो गाइस इस टैबलेट की जो डोज है वो दिन में 2 बार होती है 5 mg की, खाना खाने के बाद पानी के साथ। ठीक है, खाना खाने के बाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टैबलेट से कई बारी नोजिया वोमिटिंग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। अब आपके पीरियड्स कब आएंगे, ठीक है, तो पहले तो देखिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, दूसरा कि अगर आपकी जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर कोई ट्यूमर ना हो, कोई सिस्ट ना हो, मतलब कहने का है ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम या फिर फाइब्रोड्स होते हैं यूट्रस में वो ना हो, या फिर कोई और मेजर प्रॉब्लम ना हो जिसके कारण आपका जो पीरियड है वो मिस ना हो रहा हो। लेकिन अगर आपको हार्मोनल कोई गड़बड़ी है या फिर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है या फिर स्ट्रेस के कारण आपको आपके पीरियड साइकिल मिस नहीं आ रहे हैं तो आपको ये टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इस टैबलेट को आपने दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद, 5 दिन तक लगातार लेना है। और जब आप ये टैबलेट 5 दिन इस टैबलेट के कंप्लीट कर लोगे तो आपको 1 से 10 दिन के अंदर आपके पीरियड्स आ जाएंगे। ओके, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे, घबराओगे, उतना ही कम चांसेस हैं आपके पीरियड्स के आने के। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि जो फीमेल्स ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं या फिर घबराती हैं उनकी जो ओवुलेशन टाइम पीरियड होता है वो डिले हो जाता है। ठीक है,
तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस टैबलेट को यूज़ करिएगा 5 दिन सुबह शाम, और आपके जो पीरियड्स हैं वो इस टैबलेट को लेने पर 1 से 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। ओके, साथ ही अगर जिन फीमेल्स को अपने पीरियड्स जल्दी लेके आने हैं, अगर कोई फेस्टिवल या फिर कोई पार्टी उन्होंने अटेंड करनी है और वो चाहती हैं कि उनके पीरियड्स जल्दी आ जाएं, तो भी इस कंडीशन में आप इस टैबलेट को ले सकते हो। सेम कंडीशन अप्लाई होती है, आपने इस टैबलेट को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 5 दिन तक लेना है, और सेम चीज़ है, पीरियड्स आपके 1 से 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। ओके, और हाँ गाइस, इस टैबलेट का देखिए बारी बारी मिसयूज़ नहीं करना है अगर आपके पीरियड साइकिल आपने जल्दी लेके आने हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।